क्या आपने कभी सोचा है कि एयर डिफेंस सिस्टम असल में कैसे काम करता है? मैंने सोचा, अगर एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाना हो तो उसकी बुनियादी कामकाज क्या होंगे। सबसे पहले वो किसी खतरे को ट्रैक करेगा, फिर उसे लॉक करेगा और लॉक होने के बाद उसे निष्क्रिय कर देगा। बस यही बुनियादी लॉजिक है जिसे हम अपने DIY वर्जन में नकल करेंगे। इस ट्रक की बॉडी का इंस्पिरेशन मैंने अमेरिकी ओशकोश हेम्प्ट M985 ट्रक से ली है। मेरे प्रोजेक्ट में मैं HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर को रडार की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सेंसर एक 180 डिग्री घूमने वाली सर्वो के ऊपर माउंट किया गया है ताकि पूरा 180 डिग्री क्षेत्र कवर हो सके। सिस्टम पर एक 2-अक्षीय प्लेटफॉर्म है जिस पर एक लॉन्चर बैरल सा मॉड्यूल रखा गया है। इसे मैंने केवल विजुअल और सिमुलेशन के लिए डिजाइन किया है, न कि किसी वास्तविक नुकसान पहुंचाने के लिए। आर्डुइनो नैनो इस पूरे सिस्टम का दिमाग है। आर्डुइनो नैनो लगातार सेंसर को घुमाता रहेगा जब तक कोई खतरा नहीं दिखता। खतरा डिटेक्ट होते ही सेंसर का कोण मापा जाएगा और वही कोण लॉन्चर बैरल के सर्वो को भेज दिया जाएगा। रॉकेट लॉन्चर को सेफ्टी के लिए सेमी ऑटोमेटिक बनाया है, जो कि रिले बेस्ड फ्यूज इग्नाइटर की मदद से दिवाली की पटाखे वाली रॉकेट्स को फायर करता है। ये सेटअप 27 मेगाहर्ट्ज रिसीवर PR चलता है, टारगेट डिटेक्ट होने पे आर्म होता है और ट्रांसमीटर की सिग्नल पे इग्नाइट करता है। खतरा निष्क्रिय होने के बाद सारे सर्वो अपने न्यूट्रल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। साथ ही मैंने HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लगाया है ताकि मैं अपने ट्रक मोटर ड्राइव की मूवमेंट और रडार सिस्टम को वायरलेस कमांड से कंट्रोल कर सकूं। तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने सर्किट डायग्राम और आर्डुइनो कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, वहां से आप कनेक्शन और सॉफ्टवेयर लॉजिक देख सकते हैं। पावर के लिए मैं 2 अलग-अलग बक कन्वर्टर्स का उपयोग कर रहा हूं, एक 3A बक कन्वर्टर और एक 5AXL4015 बक कन्वर्टर, ताकि सर्वो मोटर्स को पृथक सप्लाई मिल सके और पावर ड्रॉप से सिस्टम प्रभावित न हो। इस वीडियो के बाद का हिस्सा देखने के लिए कमेंट बॉक्स में Part 2 कमेंट करें। दोस्तों, ये मेरे चैनल का पहला एडिटेड वीडियो है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको कोई और समस्या होती है तो कमेंट करें, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा।